कौमी हिफाजती टीकों के दिन के मौके पर आज कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक नई शुरुआत। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकारी मुहिम का आज से हुआ आगाज। 60 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को भी लगाए जा रहे हैं एहतियाती टीके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की यूक्रेन से भारतीय शहरियों के इनखिला में शामिल सफारत खाने के अहदेदारों से बात। कहा, मुल्क की खिदमत का जज्बा हो तो नामुमकिन नहीं है कोई हदफ। वज़ीर-ए-आज़म का बयान, जंगजदा इलाके से भारतीय शहरियों के साथ 18 दिगर ममालिक के शहरियों को भी निकाला बाहर। तमाम फरीकों का अदा किया शुक्रिया। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान आज राज्यसभा में आईनी तरमीमी बिल फहरिस्त बंद। बोक्ता जात को दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल करने के लिए बिल किया जाएगा पेश, जबकि कबाइली उमूर की वजारत के कामकाज पर जारी रहेगी बहस। लोकसभा में रेलवे बजट पर भी बहस रहेगी जारी। बैन-उल-अक़वामी खबरों में, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज अमरीकी कांग्रेस से वर्चुअल तौर पर करेंगे खिताब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को 13.5 अरब डॉलर से जायद की सिक्योरिटी इमदाद फराहम करने के बिल पर किए दस्तखत। खेल की खबरों में, ख्वातीन क्रिकेट आलमी कप में भारत का इंग्लैंड से मुकाबला जारी। इंग्लैंड का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए रखा सिर्फ 135 रन का हदफ। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज से आगाज। ख्वातीन सिंगल्स में पीवी सिंधु पर सबकी नजरें, तो मर्दों के सिंगल्स में लक्ष्य सेन और कदम्बी श्रीकांत थे तवज्जो का मरकज। गुज़िश्ता 21 वर्षों में किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं जीता है ये खिताब। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। मुल्क भर में आज से 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। इस उम्र के बच्चों के लिए सिर्फ कोर्बेवैक्स टीके लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। टीकाकारी के लिए कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अपने करीब तरीन टीकाकारी मरकज पर और कुछ शनाख्त शुदा स्कूलों में बराह रास्त पहुँच कर भी बच्चों को टीका लगवाया जा सकता है। टीकाकारी के बाद एहतियात के तौर पर आपको तकरीबन आधे घंटे तक वैक्सीनेशन सेंटर में रहना होगा। उसके बाद बच्चा अपने मामूल के मुताबिक अमल जारी रख सकता है। और मुल्क भर में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को आज से कोविड मुखालिफ एहतियाती वैक्सीन मिलना शुरू हो गई हैं। कोमोरबिडिटी की ज़रूरत आज से ख़त्म हो गई है। अब कोई भी बुज़ुर्ग शहरी कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक ले सकता है। कोविड के दूसरे टीके को 9 माह के मुकम्मल होने पर एहतियाती टीका लगवाया जा सकता है। भारत के कौमी कोविड टीकाकारी मुहिम का आगाज़ गुज़िश्ता साल 16 जनवरी को सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों और सफ़े अव्वल के कारकुनों की टीकाकारी के साथ हुआ था। पहली खुराक 95% से ज़्यादा अहल अफरादों को दी जा चुकी है। वहीं 80% अहल आबादी को अब तक मुकम्मल तौर पर उनकी टीकाकारी हो चुकी है। कोविड वबाई मर्ज के खिलाफ सबसे मुअसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 180.58 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकारी मुहिम के 424वें दिन शाम 7 बजे तक 16 लाख से ज़्यादा कोविड के टीके लगाए गए। टीकाकारी मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़ का एक अहम जरिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है और निगरानी की जा रही है। आज पार्लियामेंट के बजट इजलास में आईनी तरमीमी बिल को फहरिस्त बंद किया गया है। इसके तहत बोगटा जात को दर्ज फहरिस्त जातों की फहरिस्त से निकाल कर उसे दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल करने का बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में 11 बजे वक्फ़ सिफर और 12 बजे वक्फ़ सवाल होगा। कबाइली उमूर की वजारत के काम पर बहस आज राज्यसभा में जारी रहेगी।
वहीं रेलवे के कामकाज पर भी बहस, आज फहरिस्त बंद है। इसके साथ ही वजारत रेलवे के बजट पर लोकसभा में बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐवान ज़ेरी में सड़क नकलो हमल और शाहराहों की वजारत पर बहस, फहरिस्त बंद है। त्रिपुरा से मुतालिक दर्ज फहरिस्त कबाइल आइनी तरमीमी बिल लोकसभा में बहस और मंजूरी के लिए फहरिस्त बंद किया गया है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ऑपरेशन गंगा में शामिल हिस्सेदारों के साथ बातचीत की। ऑपरेशन गंगा के तहत तकरीबन 23,000 भारतीय शहरियों के साथ साथ 18 ममालिक के 147 दिगर शहरियों को भी यूक्रेन से कामयाबी के साथ निकाला गया है। बातचीत के दौरान यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी में भारतीय बिरादरी और निजी शोबे के नुमाइंदों ने ऑपरेशन गंगा का हिस्सा बनने के अपने तजुर्बे, उन्हें दरपेश आए चैलेंजों के बारे में बताया और इस तरह के तआवुन पर इत्मीनान और एहतराम के जज्बे का इजहार किया। उन्होंने बताया कि एक पेचीदा इंसानी ऑपरेशन था। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन को कामयाब बनाने की अनथक कोशिशों के लिए भारतीय बिरादरी के रहनुमाओं, रजाकार ग्रुपों, कंपनियों, निजी अफराद और ओहदेदारों की तारीफ की। उन्होंने ऑपरेशन गंगा में शामिल तमाम हिस्सेदारों की जानिब से हुब्बुल वतनी, कम्युनिटी सर्विस के जज्बे और टीम स्पिरिट की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर मुख्तलिफ कम्युनिटी तंजीमों की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनकी बेलौस खिदमात भारतीय तहजीब की उन अकदार की अक्कास हैं जिन्होंने वो गैर ममालिक में भी अपनाते रहते हैं। हंगरी में मौजूद भारतीय शहरियों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत पर खुशी का इजहार किया। हंगरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे अमृतपाल सिंह ने ऐसे ही कुछ भारतीय शहरियों से बातचीत की। ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे पीएम जो है, हम लोग से जो वॉलंटियर थे उन लोग से इंटरेक्ट किया और उन्होंने ऑल द करेजिंग वर्ड्स विच ही सेड, इट वाज वंडरफुल। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो हम लोग हंगरी से जो लोगों को जो हेल्प किया है, जितने भी स्टूडेंट हैं और जो बॉर्डर से लेके आए और यहाँ पे रखा और फिर एयरपोर्ट पे भेजा हम लोगों ने, उनमें जो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है और प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने जो सराहनीय जो भी शब्द बोले हैं हम लोग के लिए, हम लोगों ने इतना उम्मीद किया नहीं था कि वो हम लोग से इंटरेक्ट करेंगे और बताएंगे कि उन लोग इंडिया जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन लोग हम लोग को सराहेंगे। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। सी यू डू समथिंग, बेसिकली नोबडी डिड इट फॉर एनी अप्रिसिएशन, बट व्हेन यू गेट सम अप्रिसिएशन इट फील्स मच मोर वंडरफुल। सो प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग टू अस वॉज अ ह्यूज ह्यूज थिंग एंड व्हाट ही सेड वॉज वेरी नाइस एंड इट मेड अस फील दैट व्हाट डिड इज रियली बीइंग अप्रिशिएटेड एट सम लेवल, बिकॉज यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू आर नॉट एन एम्बेसी एम्प्लॉय एंड यू आर डूइंग समथिंग एंड समबडी रिकॉग्नाइजेस इट। Simply, it's a great feeling. Most volunteers here have been working day and night, and to be recognized for the work was very, it felt like we got recognition for it, even though we didn't do it for the recognition, but it felt nice to be appreciated about it. और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। हुकूमत ने कहा है कि रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करने पर जिन चैनलों की मंजूरी मनसूख कर दी गई है उनकी तफसीलात वजारत इत्तला'आत व नशरियात के सर्विस पोर्टल पर दस्तियाब करा दी गई हैं। इत्तला'आत व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तला'आती टेक्नोलॉजी की वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A की खिलाफ वर्जी पर किसी भी प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने की हिदायत जारी करने का इख्तियार रखती है। उन्होंने कहा कि जवाबित की खिलाफ वर्जी पर 25,368 लिंक्स पर पाबंदी आयद की गई है। इनमें वेब पेजेस, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पेजेस शामिल हैं। वजारत इत्तला'आत व नशरियात ने 2021-22 के दौरान यूट्यूब पर मबनी 56 न्यूज़ चैनल्स और इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाने की हिदायत जारी की हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर ख्वातीन के तआवुन की निशानदही करने और भारतीय हवाबाजी के शोबे में ख्वातीन की कामयाबियों का जश्न मनाने के लिए एक तकरीब का अहतमाम करेगी।
इस दौरान शहरी आवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रोग्राम से खिताब करेंगे। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में हाइड्रोजन पर मबनी जदीद फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक गाड़ी पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। ये मुल्क में अपनी नौईयत का पहला प्रोजेक्ट होगा जिसका मकसद हाइड्रोजन FCEV टेक्नोलॉजी और उसके फवायद के बारे में बेदारी फैलाना है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र हुकूमत के काबीना वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा नवाब मलिक को किसी किस्म की अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। उन पर गैंगस्टर दाऊद के साथियों के साथ जायदाद का सौदा करने का इल्ज़ाम है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से अपने ख्यालात और तजावीज़ भेजने की अपील की है। सामईन अपने ख्यालात और तजावीज़ MyGOV और नमो ऐप पर शेयर कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके भी अपने ख्यालात रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फ़ोन लाइनें 25 मार्च तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस कॉल कर सकते हैं और SMS में मौसूल होने वाले लिंक पर जाकर भी अपने मशवरे भेज सकते हैं। और भारत ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की चौथी खेप के तौर पर मंगल के रोज 2000 मैट्रिक टन गेहूं भेजा है। अब तक भारत की जानिब से अफगानिस्तान के लिए 8000 मैट्रिक टन गेहूं भेजे जा चुके हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत भारत की जानिब से ये इमदाद की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल काउंसिल के सदर वुल्फ गैंग सोबोटका की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया का एक वफ्द आज नई दिल्ली में नायब सदर वेंकैया नायडू से मुलाकात करेगा। कबल अज़ी ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के एक वफ्द ने पीर को भारतीय पार्लियामेंट की नई ज़ेरे तामीर इमारत का दौरा किया था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी वफ्द को पार्लियामेंट के ज़ेरे तामीर इमारत के बारे में जानकारी दी थी। माली साल 2021-22 में रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों को 96,500 करोड़ से ज़्यादा की रकम GST मुआवजे के तौर पर जारी की गई है। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि माली साल 2021-22 के GST मुआवजे के तौर पर रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों को 53,600 करोड़ रुपये की रकम जारी होना बाकी है। माली साल 2021-22 के दौरान फरवरी 2022 तक 13,33,000 करोड़ रुपए GST रेवेन्यू के तौर पर मौसूल हुए। ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की सनत के लिए पैदावार पर मबनी तरगीबी स्कीम PLI 5 साल की मुद्दत में 42,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के हदफ के मुकाबले में 74,850 करोड़ रुपए की मुजवजा सरमायाकारी को रागिब करने में कामयाब रही है। भारी सनतों की वजारत ने कहा है कि मुजवजा कुल सरमायाकारी में से चैम्पियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इंसेंटिव स्कीम के तहत मंजूर शुदा दरख्वास्त दहिंदगान से 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा और कंपोनेंट चैम्पियन इंसेंटिव के तहत मंजूर शुदा दरख्वास्त दहिंदगान से 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मौसूल हुए हैं। कुल 115 कंपनियों ने PLI स्कीम के तहत दरख्वास्तें दी थी जिन्हें गुज़िश्ता साल 23 सितंबर को उसे नोटिफाई किया गया था।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना खांचा फरोशों के लिए एक नेमत साबित हुई है, खासतौर पर कोरोना वबा के दौरान जब खांचा फरोशों और मजदूरों के सामने रोजगार का बोहरान खड़ा हुआ तो वजीर आजम स्वनिधि स्कीम के छोटे कारोबारियों ने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया। इस स्कीम के तहत सड़क के किनारे काम करने वाले छोटे ताजिरों को 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है ताकि इन लोगों को अपने कारोबार को शुरू करने के लिए ज़रूरी सरमाया मिल सके। पेश है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से ये खास रिपोर्ट। कोरोना के दौर में जब छोटे कारोबारियों के सामने रोजगार का मसला खड़ा हुआ तो इन लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सहारा मिला। सड़क किनारे छोटा कारोबार कर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले इन छोटे कारोबारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से बगैर जमानत के 10,000 रुपए का कर्ज हासिल हुआ, जिसने एक बार फिर इनकी जिंदगी को पटरी पर लाने का काम किया। 10,000 रुपए लिया था स्वनिधि योजना के तहत, जिससे हमने सिलाई की दुकान डाली हुई थी, जो हमने पे कर दिया है और दोबारा लेने के लिए सोच रहे हैं कि मतलब कुछ और आगे बढ़ा सके। हम लोगों को फुटपाथ में पान की दुकान करता हूँ, पान की दुकान में 10,000 रुपये फुटपाथ वालों को मिला था, उसमें हम भर दिया है। तो वही 20,000 का योजना का जो हमको जानकारी मिली है तो उसी की अप्लाई करने आए हैं और फुटपाथ वालों को बड़ा अच्छा आराम मिल रहा है, कम से कम छोटी पूंजी से अपना रोजगार तो चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट में पहले मरहले में 10 मार्च 2022 तक 1979 स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का कर्ज मुहैया कराया जा चुका है। दूसरे मरहले में 916 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 20,000 रुपए का कर्ज दिए जाने के लिए मेगा कैंप का एहतमाम किया गया। 10,000 मिली है जो कि उसमें हमने अपना काउंटर बनवाया चाट के ठेले लगाने के लिए, अब इसके बाद उसको हमने भर दिया, उसके बाद दूसरी अप्लाई किया, दूसरी अप्लाई में भी वो हो चुका है हमारा, लेकिन अब ये पैसा मिलेगा तो आगे उसका और बढ़ाएंगे। उसमें अच्छा सुंदर योजना है ये हमारे लिए, गरीबों की और गरीब लोगों को आगे बढ़ने की एक रास्ता मिल रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के मुस्तफिदीन में इस मंसूबे के ताल्लुक से खूब जोश खरोश देखा जा रहा है। मंसूबे के मुस्तफिदीन इस मंसूबे के लिए मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इस प्रोजेक्ट ने हजारों की तादाद में छोटे कारोबारियों के रोजगार को फिर से शुरू करवाया है, जिसके बाद इन कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटी है। विजय दीक्षित की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और आइए बैन अलाक़वामी खबरों पर नज़र डालते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वर्चुअल तरीके से अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। ज़ेलेंस्की की तकरीर इस माह दूसरी बार अमरीकी कानून साजों के सामने होगी। ज़ेलेंस्की ने इस माह के शुरू में ऐवान और सेनेट से वीडियो के जरिए बात की थी और मज़ीद फौजी इमदाद की दरख्वास्त की थी, लेकिन पहली बार उन्हें अवामी सतह पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अमरीकी कानून साजों ने कहा है कि हम ऐवान और सेनेट में सदर ज़ेलेंस्की के खिताब का खैर मकदम करने और यूक्रेन के आवाम को अपनी हिमायत देने के मुंतजिर हैं, क्योंकि वो बहादुरी से जमहूरियत का दिफा कर रहे हैं। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के दरमियान अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को माली इमदाद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को 13.6 मिलियन डॉलर की इमदाद देने का फैसला किया है। बाइडन ने मंगल को एक बिल पर दस्तखत किए जिसमें यूक्रेन के लिए 13.6 बिलियन डॉलर की सिक्योरिटी इमदाद शामिल है। व्हाइट हाउस ने मंगल को तस्दीक की है कि बाइडन नेटो रहनुमाओं से मुलाकात के लिए अगले हफ्ते ब्रसेल्स जाएंगे और यूक्रेन को अमरीकी फौजी और सिक्योरिटी इमदाद से मुतालिक मालूमात का इश्तराक करेंगे। और ख़बर चीन से है। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। मुल्क के शुमाल मशरक में चिलन से लेकर जनूब में गुआंग डोंग तक ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस खत्ते के लाखों लोग लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा है कि मुल्क में कोविड वबा की सूरत हाल पेचीदा और इस पर काबू पाना मुश्किल है। चीन में यकुम मार्च से 14 मार्च तक 15,000 अफराद में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। इन्फेक्शन के बाद कई शहरों और सूबों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। चीन में कोरोना मामलों की कुल तादाद 1,22,000 से ज़्यादा है। कोरोना इन्फेक्शन से अब तक 4,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। इन्फेक्शन में इजाफे की वजह से मंगल को चीन के स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई।
और खेल की खबरों में, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए सिर्फ 135 रन का हदफ रखा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय खवातीन टीम का आगाज़ ख़राब रहा और पहला विकेट सिर्फ 18 रन पर ही गिर गया। आखिरकार पूरी टीम 37वें ओवर में सिर्फ 134 रन बनाकर आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने सबसे ज़्यादा 35 रन बनाए। भारतीय खवातीन टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 3 मैच खेले हैं जिनमें से उसने 2 जीते हैं। वहीं दूसरी जानिब इंग्लैंड अभी तक अपनी पहली जीत के लिए कोशा है। इंग्लिश टीम अब तक 3 मैच खेल चुकी है और तमाम में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत आज से हो रही है। कोई भी भारतीय खिलाड़ी गुज़िश्ता 21 साल में इस खिताब को अपने नाम नहीं कर पाया है। पोलीला गोपीचंद ने 2001 में और प्रकाश पादुकोण ने 1980 में इस बावकार टूर्नामेंट का खिताब जीता था। इस मरतबा फॉर्म में चल रहे लक्ष्य सेन और 2 मरतबा के ओलंपिक फातह पीवी सिंधु और आर्मी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले कदाम्बी श्रीकांत पर सबकी नज़रें होंगी। ख्वातीन सिंगल्स में साइना को पहले राउंड में थाईलैंड की आर्मी नंबर 10 पूरन पावी चोच से विंग से सख्त मुकाबले का और चैलेंज का भी सामना करना पड़ेगा। मर्दों के जुमरे में अच्छी फॉर्म में चल रहे नौजवान खिलाड़ी लक्ष्य सेन से भी सबको बड़ी उम्मीदें होंगी। गुज़िश्ता इतवार को जर्मन ओपन में दूसरे नंबर पर रहे लक्ष्य का सामना पहले दौर में हमवतन सौरभ वर्मा से होगा। श्रीकांत का पहले दौर में थाईलैंड के कैंटाफोन विंग जेरोन से मुकाबला होगा। बीसाई परनीत कोविड-19 से ठीक होने के बाद पहले दौर में ही ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलेसन से मुकाबला करेंगे। हिस्पानवी फुटबॉल क्लब एटलांटिको मैड्रिड ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिरी 16 के दूसरे मरहले में एटलेटिको मैड्रिड इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त देने में कामयाब रहा। पहले मरहले में दोनों टीमों के दरमियान मैच 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुआ। इस तरह एटलेटिको ने 2-1 के मजमूई स्कोर के साथ मैच जीतकर आखिरी 8 में जगह बना ली। इस शिकस्त के बाद मैन यू की चैंपियंस लीग के अगले सीजन में खेलने की उम्मीदें काफ़ी कम हो गई हैं। उन्हें अब इसके लिए EPL मैच्योरिटी पर पहुँचना होगा। बेनफिका भी चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई। आखिरी 16 के दूसरे मरहले में बेनफिका याक्स को 1-0 से शिकस्त देने में कामयाब हो गई। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं रही। दूसरे हाफ में दोनों के मुकाबले दरमियान पहले से ज़्यादा जारहाना खेल देखने को पेश आया और मैच के 77वें मिनट में डारोन नोनेज ने गोल करके बेनफिका को 1-0 की बर्तरी दिला दी। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो सका। दोनों टीमों के दरमियान पहले मरहले में खेला गया मैच 2-2 से बराबरी पर ख़त्म हुआ। इस तरह बेनफिका ने 3-2 के मजमूई स्कोर से मैच जीतकर आखिरी 8 में जगह बना ली है। और नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायजे में नाज़रीन सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है, तालीमी इदारों में हिजाब की इजाज़त के लिए दायर अर्जियां खारिज। हिजाब मज़हब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है, ये कहना है कर्नाटक हाई कोर्ट का। वज़ीर आला बुमई की तलबा से क्लास में शिरकत और अमन कायम रखने की अपील। इसी को अखबार ने जगह दी है। एक और ख़बर जो आलमी सफ़े की सुर्खी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की, वो हम आपको दिखाते हैं। बीजिंग में मॉस्को के हथियार तलब करने से मुतालिक अमरीकी दावे बेबुनियाद हैं, ये चीन का कहना है। चीन के का रूस की जानिब झुकाव बहुत ज़्यादा तशवीश का बाइस है, ये अमरीका का कहना है। चीन ने अमरीका के उस दावे की तर्दीद कर दी है कि मॉस्को ने बीजिंग से फौजी मदद हासिल करने की कोशिश की। लंदन में चीनी सफारतखाने ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि अमरीकी बात हकायक मस्क करने वाली है। चीन ने यूक्रेन से भी मुतालबा किया है कि वो जलती पर तेल डालने के बजाय कशीदगी को कम करे।
आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों की बात करें तो ये एक अहम सुर्खी शाये की गई है, वो है अरबी सिर्फ मजहबी जबान नहीं है बल्कि तहजीब व सकाफत का सरचश्मा है। ये कहना है प्रोफेसर नजमा रहमानी का, शोबे अरबी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी जबान व अदब के फ़रूग में हिंदुस्तानी मदारिस के किरदार के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद हुआ। इस मौके पर अरबी जबान व अदब के फ़रूग में मदारिस इस्लामिया हिंद के ज़िरनी कारनामे इन मदारिस के फारिगिन ने असली दरसगाहों में अरबी जबान व अदब की तालीम व तदरीस के ज़रिए अरबी जबान के दायरे को जो गैर मामूली वसअत दी है उस मौजू पर बातचीत हुई। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर हम आपको आलमी सफ़े की रोज़नामा इनकलाब की दिखा देते हैं। रूस तामीरी बातचीत के लिए तैयार, तमाम ममालिक के साथ तआवुन का भी खाहां। रूस का यूक्रेन खैबर सुन पर मुकम्मल कब्जे का दावा है। रिहायशी इमारत पर हमला, 4 अफराद हलाक। जर्मन चांसलर ने कहा है कि यूक्रेन फौरी तौर पर जंग बंदी करे। और रूस ने साथ ही ये भी अमेरिका के दरमियान रूस की बातचीत के इम्कानात को लेकर भी रूस ने कहा है कि वो तमाम तामीरी बातचीत के लिए आमादा है और तमाम ममालिक के साथ तआवुन का भी वो ख्वाहां है। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर हम खबरों की बात करें तो जो सफ़े अव्वल पे 2 अहम सुर्खी शाये की गई है, GST काउंसिल पर सियासत न करें, यह कहना है वज़ीर ख़जाना का। वज़ीर ख़जाना ने कहा राज्यसभा में कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल एक वफाकी अदारा है जो बग़ैर किसी तफरीक और सियासत के रियासतों को एक मुकर्रा फार्मूले के तहत GST और उनके हिस्से की अदायगी करती है। इस सिलसिले में किसी किस्म की सियासत न की जाए। एक और ख़बर जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली नवाब मलिक की अर्जदाश्त मुंबई हाई कोर्ट से खारिज, मुस्तरद कर दी गई है। महाराष्ट्र के अखिलियती उमूर के वज़ीर ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हुआ चाहता है आपसे रुख्सत होने का, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं मिज़ोरम, जहां महज 4 वर्ष की नन्ही गुलोकारा अपने गुलोकारी के ज़रिए धूम मचा रही हैं। उन्होंने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार वंदे मातरम नगमे को बड़ी खूबसूरती से गाया है। आप उनसे महजूज़ हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।